पूरे साल यहाँ पे स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है। कि इस जगह में मेरी एक मूर्ति पड़ी हुई है, आप उसको स्थापित कर दो तो आपका बाग का भय कम हो जाएगा। इंडिया में एप्पल 36 वैरायटी का पाया जाता है, 30 वैरायटी में यहाँ होता है। इसका आपका मेडिसिनल वैल्यू भी रहता है, ये हाई बीपी और हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये अभी चल के आए ना आप, एनर्जी ड्रिंक है, ये स्पेशल है हमारे वहाँ का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैं आपको लेके गया था रानी झील और झूला देवी मंदिर। तो आज की वीडियो हम शुरुआत करेंगे झूला देवी मंदिर से और आपको लेके जाएंगे रानीखेत के एक और बड़े अट्रैक्शन में, और जो कि झूला देवी मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी स्थित है। तो जो लोग चैनल में नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन और वीडियोज आपको मिलते रहें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, 1869 के दौरान जब अंग्रेज़ों की नज़र रानीखेत की इन हसीन वादियों पर पड़ी तो और यहाँ की आबो हवा और यहाँ के शांत वातावरण को देखकर उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे छावनी बसाने का। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कई चर्चों का निर्माण किया, उन्हीं में से एक चर्च मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें जाना है कहीं और बट मैं आपको चर्च यहाँ से दिखा देता हूँ, जो कि माल रोड में स्थित है। ठीक नीचे आप देख रहे हैं जो चर्च है, अभी भी बढ़िया कंडीशन में है। और ये जो है ना ब्रिटिश आर्किटेक्चर आप देख रहे होंगे, पूरा उसी स्टाइल में बने हुए हैं पूरे चर्च। ये भी बढ़िया कंडीशन में, अभी मैं हल्की आवाज़ सुनाई आप शायद आपको नहीं दे रही होगी, लेकिन अंदर अभी प्रेयर चल रही है। आप वैसे अंदर जा सकते हैं लेकिन अभी मेरे को टाइम ज़्यादा है नहीं, तो मुझे फ़िलहाल जाना है आगे। तो बढ़ते हैं आगे, फिर कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर यहाँ चर्च में घुमाऊँगा। तो बहुत बढ़िया लोकेशन में ये बसा हुआ है चर्च। दोस्तों, माल रोड में ड्राइव का अपना कुछ अलग ही मज़ा है। देखिए, रोड के दोनों तरफ आपको बड़े बड़े छायादार पेड़ मिलेंगे, जिनमें मुख्यतः आपको देवदार, बांज, बुरांस और चीड़ के पेड़ मिलेंगे। और यहाँ की जो ठंडी हवा और यहाँ का जो शांत वातावरण और जो साफ़ सफाई है, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रानीखेत में साफ़ सफाई का जो यहाँ का पॉलीथीन बैन है ना, उसका बड़ा योगदान है। झूला देवी के दर्शन करने के बाद अब टाइम हो चला है आगे चौबटिया की ओर जाने का, तो फिलहाल निकलते हैं और माता का आशीर्वाद लेके चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम झूला देवी मंदिर से बढ़ चले हैं चौबटिया गार्डन के लिए। और ये जो रास्ता है, इतना घना जंगल है, मतलब यहाँ से आप देख लो इतना घना जंगल है। देखो ये वैसे ही आज बादल लगे हुए हैं और ऊपर से ऐसा घना जंगल, ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज गए होंगे, लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है आपका? 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है ऊपर और अब हम जा रहे हैं नीचे गार्डन के लिए पैदल, यहाँ से माग नीचे गार्डन तक का। हाँ, देवदार को काटना अलाउड नहीं है पहली बात तो। अच्छा, काटने पर सजा है इस पेड़ को। हाँ, इसको क्या है ना, जैसे कि आपका ये फर्नीचर वगैरह जो पानी के जहाज, हाँ, उस सभी इसी वुड की बनती है, इसी लकड़ी की बनती है। पानी के जहाज, क्योंकि लकड़ी ऑयली रहेगी, पानी में डालोगे डूबेगी नहीं, तैरेगी। इसमें से ऑयल वगैरह भी निकलता है आपका, स्किन के लिए, सोराइसिस, एक्जिमा, स्किन डिजीज, लिपोटोमा, दाग खाक कुछ ले जाता है ना किसी को, तो उसके लिए निकलता है। ताला लगा दीजिए। कितने एम्प्लॉय होंगे यहाँ मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में इसमें सर आपका कम से कम नहीं भी तो 1500-2000 आदमी तो है इसके अंदर पूरा। अच्छा, बहुत लोग हैं। अभी ये ट्रेनिंग होती है, वो लड़के अलग से, हर साल 1000 लड़का अलग आता है 9 महीने खाली ट्रेनिंग के लिए, खाली ट्रेनिंग के लिए इसके अंदर। अच्छा, और इसमें सरकारी आदमी, वो अब आपको सरकारी आदमी जो बता रहा हूँ वो 15 से 2000 है। अभी इसमें ओपनल भी है,
जो आपका होता ना कि ठेकेदार वो होते ठेके प्रथा वाले, अच्छा वो भी है अभी इसमें। चिड़िया खा दिए ना, देखो तो हल लगा दो छोटा छोटा, अभी स्टार्ट जो ट्रीम लगे इस साइड का खत्म हो गया, उस साइड का ही बचा रहा, डेली सेज जिसको बोलते हैं वो डेली सेज लगा है पूरा सामने। मैं यहाँ चौबटिया गार्डन में गाइडिंग करता हूँ। नमस्कार, बाकी क्या है यहाँ पर आपका? एप्पल, वॉलनट, चेस्टनट, आलमंड, पीच, पियर, चेरी, आलू। टाइम रहेगा आपका मई जून जुलाई, लास्ट एप्पल आपका अगस्त जो पकता है, बाकी स्नोफॉल होता है यहाँ पर आपका -0°। बाकी 12 मास एक ही स्वेटर, ऐसी रहता है मौसम यहाँ का। तो एप्पल कौन कौन सी वैरायटी की होता है? सर आपका एप्पल 33 वैरायटी रहता है यहाँ पर। अच्छा। जिसमें का आपका फॉरन जो यहाँ पर आपका 30 इंडिया में एप्पल 36 वैरायटी का पाया जाता है, 30 वैरायटी में यहाँ होता है 33 वैरायटी, बाकी 3 वैरायटी वो आपका शिमला शिमला मनाली कश्मीर एरिया में पाया जाता है, बाकी यहाँ पर आपका 33 वैरायटी और 5 से 50 रुपीज़ के जी रहेगा। तो सबसे लास्ट है वो आपका समर, ये आपका अगस्त में टूटता है, डेली सेस के नाम से उसका नेम रहता है। ये आपका सर इसका नाम है हाइड्रेंजा, ये आपका 11 महीने में 11 कलर्स बदलता है, 11 कलर्स। और आपका ये क्या है, एक महीना मंथली जब ख़राब रहेगा, जब आपका स्नो गिरती है बर्फ़ पड़ती है उस टाइम ये बिल्कुल ख़त्म होता है। बंदर खा रहे हैं? हाँ तो फ्रूट है, मंकी खाता है इसको, पांगर, हम पांगर जिसको बोलते हैं, हम लोग खाते हैं फोड़ के खाते हैं इनको सबको। ये इसमें काटे होते क्या? काटे। अरे बाबरे खतरनाक है, ऐसे नहीं फूटेगा, फोड़ो नहीं। मैंने तो सोचा शॉप तो हो गए, ना भयंकर रहता है ये, देखो उसमें खाने लायक। बाबरे दो दो है, तीन चार 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 तो ये मंकी कैसे पकड़ते होंगे यार? पकड़ लेते उनके सर, वो तो छील के खाना पड़ता है इसको, छील के एक कवर, छील के खाए हुए भी ना, ये नहीं इसको, नहीं वो तो उन्हें तो पता है इसको, एक इसको ऊपर छीलोगे तब खाओगे ऐसे इसको ना, ऐसे ये सब छीलोगे इसको ऐसे करके। मतलब पकता नहीं ये, पका पक गया क्या? ये बिल्कुल मैच्योर हो गया, खाने लायक हो गया सर ये। अच्छा, ये क्या है ना, ये इसका हेजलनट जो चॉकलेट के ऊपर, जो चॉकलेट के ऊपर हेजलनट लिखा रहता है, ये यही फ्लेवर होता है। तोड़ते हैं ना कोई ऊपर साइड का ऐसे रहता है, ये तोड़ेंगे नीचे साइड का तोड़ लेंगे, ऊपर साइड का बंदर ही खाते हैं पूरे, छील करके फिर इसको उसमें पकाया जाता है उसके पुराल में। पुदीने का जूस आपका एसिडिटी डाइजेशन पेट के लिए बहुत बढ़िया, नींबू पुदीने वाला अभी 10 रुपए गिलास, नींबू पुदीना, बुरांस, एप्रिकॉट और लीची आपको 10-10 रुपए गिलास जो पीना चाहे आप पी सकते हैं। बाकी लोकल पिकल्स वगैरह रहेंगे यहाँ के, लहसुन का अचार हमारा स्पेशल है यहाँ का, पहाड़ी लहसुन का अचार वो रहेगा, बाकी जैम वगैरह। गार्डन पर्वतीय फूलों का शुद्ध शहद मिलता है। तो जी इस ब्लॉग में इतना ही, और वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करें मेरा मत जाना। हम मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।